तो एक्सरसाइज वन के पार्ट वन का पूछा है अपन से ए टू क्वेश्चन। तो मैं पहले ए टू बताता हूँ। तो ए टू में क्या क्या बनेगा अपन को, राइट? ए टू क्वेश्चन में तो वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज वन। तो एक्सरसाइज वन में ए टू की बात कर रहे हैं अपन। अपन का मास परसेंटेज गिवन है एन टू ओ का, तो मोल परसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन को पता है एवरेज मास इज इक्वल टू होता है ए वन एन वन ए टू एन टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू बताना है। ठीक है, तो अपने पास जो गिवन है ना वो एन टू ओ के मोल्स के, एक एन टू ओ गिवन है और एक एच टू हीलियम गिवन है, राइट ना? नो, इट इज एच टू गिवन। ठीक है, तो इसमें ना ये मास जो है ना इसका 66 ग्राम है और इसका मास बाकी 100 से माइनस करके इसका मास निकाल देंगे तो इसका 34। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, देयरफॉर इसका n1 आ गया, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है 66 डिवाइडेड बाय इसका मास कितना, सो 28 प्लस 16, 28 प्लस 16 कितना हो जाएगा अपने लिए 44 हो जाएगा। लो, इसका मानुकर मास हो गया अपने, इसके एन वन आ गया और इसका एन टू आ गया अपने पास कितना 34 डिवाइडेड बाय 2 इसका मानुकर मास। तो एन वन पता चल गया, एन टू पता चल गया, ए वन ए टू इनके मानुकर मासेस हैं, तो चलो कैलकुलेट करके बता देते हैं आंसर आ गया अपना। तो हम क्या करेंगे, ये तो अपने पास आ गया कितना, दैट इज 6/4, सो दैट विल बी 6/4 मतलब 3/2, सो 1.5, और ये अपने पास आया दैट इज 7। लो भाई, अपन कैलकुलेट करके बता देते हैं। अब A1 अपन को पता है क्या होगा, A1 विल बी व्हाट द एटॉमिक मास ऑफ N2O, दैट इज हाउ मच 44। तो अपन ने लिख लिया भाई एवरेज एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, A1 इज 44 इनटू 1.5 प्लस A2 इज 2 इनटू 17 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा अपने पास 1.5 प्लस 17, ये लग गया आपका मास, अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब बी के कंसेप्ट की बात की है। ठीक है, बी में अपन एक बार चेक कर लेते हैं, बी में फिर आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे आगे, अगर आपको लगता है कि बी में आपको थोड़ा सा, और बी में कितने क्वेश्चंस हैं, तीन तो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताता हूँ। इन अ गैशियस मिक्सचर, चलो भाई देखें बी में मतलब क्या प्रॉब्लम आ रहा था, तो बी वन देख है ना, अपन से का गैशियस मिक्सचर है अपने पास ना, तो एक गैशियस मिक्सचर है जिसमें 2 मोल CO2, 1 मोल H2 एंड 2 मोल ऑफ दिस। ठीक है भाई, तो CO2 प्रेजेंट है, H2 प्रेजेंट है और हीलियम प्रेजेंट है। चलो सबके मोल्स गिवन है, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2 मोल्स, इसका नंबर ऑफ मोल्स 1, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स प्रेजेंट, डिटरमाइन द मोल परसेंट ऑफ। ओके, तो मतलब होता क्या है ना, अभी आप देखना जैसे फ्रैक्शंस अपन क्लास में काफी पढ़ते हैं, तो देखना मेरे पास अगर मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है ये है, चलो मैं मोल फ्रैक्शन की बात कर लेता हूँ। तो पहले मैं आपको ना मोल फ्रैक्शन थोड़ा डिस्कस करके बताता हूँ, वैसे मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट ना अपन कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ते, बट उन्होंने क्वेश्चन इसलिए दे दिया होगा बिकॉज सभी को पता है कि मतलब छोटे क्लासेस में अपन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, चलो देखते हैं अपन क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई गैस मतलब कोई भी ऐसे ले लेते हैं अपन गैसियस फ्रैक्शन। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन का मतलब अपन जानते हैं क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब हो गया, सपोज करते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे क्लास क्लास में 10 गर्ल्स हैं और 30 टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो 10 गर्ल्स है, 30 टोटल स्टूडेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है अपन कहेंगे 10 गर्ल्स है तो 20 बॉयज हो, तो फॉर एग्जाम्पल आप ठीक। तो फ्रैक्शन का मतलब व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स, 10/30, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज 20/30, तो वो फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हो गया। ठीक है ना, तो अपन कहेंगे ठीक है, अच्छा मुझे फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स और बॉयज बता दिया आपने, अब आप मुझे फ्रैक्शंस इस टर्म में बताओ। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपन कहेंगे सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उसमें मेरे पास सपोज करते हैं O2 गिवन है और हीलियम गिवन है,
ओटो के मोल्स 3 मोल्स हैं और हीलियम के मोल्स 2 मोल्स। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया 10 गर्ल्स 30 स्टूडेंट्स, इसका मतलब है फ्रैक्शन का मतलब होता है पर्टिकुलर जिसके बारे जिसका फ्रैक्शन पूछा है उसका नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, देयर इज अ फ्रैक्शन। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओटो। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल मोल्स लिखूंगा तो इन दोनों का सम लिखूंगा, टोटल मोल्स है ना, टोटल मोल्स क्या होगा इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर आई विल राइट दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ओटो कितना हो जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओटो, नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे लिख लेता हूं ओटो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओटो प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, मतलब टोटल मोल्स। ओटो के मोल्स कितने हैं 3 और टोटल मोल्स कितने हैं 3 + 2, दैट इज इक्वल टू 3/5 आ गया। कितना आ गया अपने पास मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को अपन कैसे डिनोट करते हैं, जनरली मोल फ्रैक्शन को ना अपन x से डिनोट करते हैं, ये कंसंट्रेशन वाले पार्ट में अपन पढ़ते हैं आगे, बट फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो अपन को ज्यादा कोई डाउट नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू आ गया अपने पास दैट इज 3/5। तो अपन कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ राइट ना, तो अपन मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे किसका, हीलियम का। तो हीलियम का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, हीलियम के मोल्स जैसे अपन ने लिखा था कि भाई बॉयज और गर्ल्स है और टोटल स्टूडेंट है, तो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज ऑप्शन को बॉयज ले लेते हैं 3/5, फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स 2/5। वी कैन राइट लाइक दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, तो ये कितना आएगा 2/3 + 5, 3 + 2 = 5 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम कितना होगा, दैट विल बी 2/5। अब आप एक बार देखो एक्स ओ टू प्लस एक्स हीलियम इज इक्वल टू 1 होगा ना, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इन एनी सैंपल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, मतलब अगर मुझे इसका मोल फ्रैक्शन गिवन है तो इसका मैं अपने आप बता दूंगा, बस गिवन होना चाहिए सैंपल में सिर्फ ये दोनों प्रेजेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 अगर मुझे गिवन है तो ये मैं अपने आप अंडरस्टूड है कितना होगा, बिकॉज सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इन एनी सैंपल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन से क्या पूछा था, उसने अपन से पूछा था व्हाट इज द मोल मोल परसेंट, हाँ तो ठीक है अपने पास परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने कहा था 10 गर्ल्स इन 30 स्टूडेंट, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, 10 / 30 × 100, तो जो फ्रैक्शंस गिवन है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दो फ्रैक्शन परसेंटेज लिखते हैं भाई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 लिखना है अपन को, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ राइट दैट इज हीलियम। और मोल परसेंट लिखना है, सो मोल परसेंट ऑफ परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ राइट ना, और परसेंट लिखना है तो अपन क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लो भाई आ गया आपका आंसर, कितना है 2 / 1 2 × 100, सो वी गॉट दैट 2/5 × 100, सो दैट वुड बी इक्वल टू 40% राइट। तो ये मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट है, ये जनरली अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पढ़ते हैं, बट अभी के बिना अपन ने वेट देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तुम क्या गिवन है, अब अपन को गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज चलो देखते हैं B2 में क्या गिवन है, क्योंकि अपन से B2 भी पूछा है। A compound has hemoglobin like structure. It has one atom of Fe. It contains 4.6% of Fe. Determine the molecular mass. हो जाएगा। अब इसमें तो देखो एक बात है, मतलब जो अपन बोलते हैं ना कि भाई क्या बोलेंगे अपन, तो अपन कहेंगे थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अपन क्या कहेंगे, देख मुझे जो कंपाउंड क्यों बनाना, मुझे एक बड़ा सा कंपाउंड, ऐसे एक बड़ा सा कंपाउंड,
इसको आप हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं। बोलो हमें क्या फर्क पड़ेगा, आप कुछ भी बोलो। इस कंपाउंड में लेकिन मुझे ये पता है कि इसमें ना एक जो छोटा पार्ट है ना, इसमें आयरन प्रेजेंट है, बाकी पार्ट में अदर आइटम प्रेजेंट है। लेकिन जो आयरन प्रेजेंट है ना वो 4. क्या गिवन है अपन को, 6% ऑफ द टोटल मास। और वो कह रहा है कि इस कंपाउंड में एक आयरन प्रेजेंट है। तो अपन कहेंगे अच्छा मेरे पास ये पता है। अब तुम एक बार देखो, अगर कोई अपन से ये कहेगा कि मेरे पास H2SO4 है, राइट, इसमें सल्फर का परसेंटेज सपोज 2% है, तो अपन कहेंगे ठीक है इसका मास बताओ कितना होगा, 32 grams इसका एटॉमिक मास। तो अपन ये कहेंगे भाई अगर आप 2% को, 32 ग्राम को 2% बोलोगे तो बताओ 100% को कितना ग्राम बोलोगे, यूनिटरी मेथड। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल अपन से यही कहा कि इसमें एक आयरन एटम प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, वो साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन्ड है भाई इसमें एक आयरन एटम प्रेजेंट है। और एक आयरन एटम का मास कितना होता है, मास ऑफ वन आयरन एटम Fe कितना होता है, 56 AMU। मेरे ख्याल से किसी को बताने की जरूरत नहीं एटॉमिक मास यूनिट। और अगर मोल्स में कैलकुलेट करना है, उसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है अपन से, तो अपन मोल्स में ले लेंगे, उसको ग्राम कर देंगे, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर मास, तो अपन बोल देते हैं मास ऑफ वन मोल ऑफ मोल एफी एटम, तो इसको ग्राम में ले लेंगे। ये तो अपन का पता है, आपका बता रखा है मैंने, राइट। तो अपन क्या करेंगे, मास ऑफ वन मोल ऑफ एफी एटम इज दिस। अब आप देखो ये पूरा सैंपल है, इसमें एक ही आयरन एटम प्रेजेंट है ये अपन को गिवन है, और वो जो आयरन एटम प्रेजेंट है वो टोटल मास का कितना परसेंटेज होता है, 4.6। अच्छा तो आप एक आयरन एटम के मास 56 ग्राम को 4.6% बोल रहे हो, ऑब्वियस सी बात है अगर एक ही आयरन एटम प्रेजेंट है और उस आयरन एटम को आप बोल रहे हो कि टोटल सैंपल में 4.6% है, तो क्या कहेंगे अपन, भाई एक आयरन एटम का मास तो 56 होता है, इसका मतलब आप 56 ग्राम को 4.6% बोल रहे हो, तो 100% कितना मास होगा, ठीक है भाई। तो अपन कहेंगे दैट इज 4.6% 4.6% ऑफ मास इज इक्वल टू 56 ग्राम, देयरफॉर 100% ऑफ मास विल बी इक्वल टू कितना होगा, वही अपना मॉलिक्यूलर मास है, तो अपन लिखेंगे 56 डिवाइडेड बाय 4.6 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। लो भाई आ गया अपने पास ये अपना आंसर है। अगर आप 4.6% को 56 ग्राम बोलोगे तो मैं 100% को कितना ग्राम बोलूंगा, वो मेरा आंसर है। यू गेट दैट आंसर, डिवाइड करके कैलकुलेट कर लो, यू गेट दैट आंसर व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो मतलब इसमें कोई कंसेप्ट थोड़ी था, ये तो यूनिटरी मेथड है। मतलब कोई कंसेप्ट होता तो अपन चेक करते कि भाई चलो ठीक है इसमें अपन को कंसेप्ट यूज कर लें। बताओ ना, कोई कंसेप्ट होता तो अपन कहते हैं भाई कि चलो इसमें फिर चेक करते हैं कि क्या लिखना है अपन को, कंसेप्ट थोड़ी है इसमें तो सीधे सीधा वैसे के बने। अब चलो ठीक है मैं आपको ऐसे देता हूं, एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं। मेरे पास एक पॉलीमर है, ठीक है, उस पॉलीमर में सपोज अपन कहते हैं सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट, अपन ने कहा इसमें जो सल्फर प्रेजेंट होता है वो 4% होता है, जो सल्फर प्रेजेंट होता है वो 4% होता है, ठीक है। और जो पॉलीमर है इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर 2 sulfur atoms आर प्रेजेंट, सल्फर एटम इज प्रेजेंट, ठीक है भाई। इसका मतलब है जो मेरे पास ये कंपाउंड गिवन है इसमें 2 sulfur है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, तो ये कहेंगे
आप दो सल्फर के मास को 4% लेने वाले हो, एक सल्फर का मास कितना होता है 32 का, तो दो का मास कितना होगा 64 का। तो अपन क्या कहेंगे, अच्छा आप 4% इज इक्वल टू लिख रहे हो, 4% ऑफ मास इज इक्वल टू लिख रहे हो 64, तो 100% ऑफ मास कितना होगा बता देंगे, 64 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, लो भाई मॉलिक्यूलर मास आ गया। इस कंपाउंड का जो पॉलीमर आप बोल रहे थे उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा हमने कैलकुलेट करके बता दिया, कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये ना यूनिटरी मेथड है, ये तो अंडरस्टूड होते हैं, छोटा सा सैंपल है, कितने सारे मैथ्स में अपन क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज यूनिटरी मेथड वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछ सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे अपने पॉलीमर लिखा अब उनकी मर्जी, वो कहेंगे अब मैं बड़े से सैंपल में मैग्नीशियम ले लेता हूँ और उसको क्लोरोफिल बोल देता हूँ, हमें क्या फर्क पड़ता है क्लोरोफिल बोलो या कुछ भी बोलो, आप ये बताओ कि कौन सा एटम कितने परसेंटेज गिवन है तो मैं टोटल मास बता सकता हूं यूनिटरी मेथड से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं, बी थ्री वाले में अपन को गिवन है जैसे कंपाउंड कंटेंट 75% हाइड्रोजन 25% 75% कार्बन बाय मास, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इस एम्पिरिकल फॉर्मूला में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एम्पिरिकल मास डिस्कस किया हुआ है, तो अपन कहेंगे ठीक है अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो अपन ने कहा था देखो अगर आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो मैं पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने स्कूल के लिए बताया आपको, स्कूल के लिए पूरा मेथड बताना होता है मुझे, ठीक है। तो अभी अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए तो अपन कहेंगे कार्बन कितना परसेंट है 25%, हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है 75%, ठीक है। तो कार्बन अपने पास कितना गिवन है दैट इज 25% और 75% कार्बन और ये बाय मास है, तो अपन क्या लिखेंगे सैंपल ले लेते हैं अपन 100 ग्राम, तो कार्बन का कितना ग्राम आ गया 25 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना ग्राम आ गया 75 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हो गए अपन कहेंगे 25/12, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 75/1, ये आ गया कितना गिवन है बिल्कुल कार्बन और नहीं कार्बन 75%, ठीक है, और ये 25 है, हाँ तो ठीक है अपन इसको ऐसे कर देंगे, ये लो भाई ये 25 हो गया, तो ये 75 हो गया, ये 25 हो गया, उसमें ना फिर क्या करते हैं अपन की मतलब अपने पास ना वो मैच नहीं करता पूरा आंसर, तो चलो देख लेते हैं, ये अपने पास कितना आएगा 6.25, ये अपने पास कितना आ रहा 25 आगे ना। अब क्या करेंगे अपन, जो छोटा नंबर आता है ना मोल्स में उससे सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैलकुलेट करो, तो अपन क्या करेंगे सिंपलेस्ट मोलर रेशियो के लिए कार्बन का सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कितना आएगा दैट इज 6.25, और सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, जो जिसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम होंगे उसको सबसे डिवाइड करेंगे, तो किसको डिवाइड करूंगा 6.25 से, और हाइड्रोजन को भी डिवाइड करूंगा दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 6.25, ये कितना आया 1, ये कितना आया 4, इसका मतलब कार्बन 1 हो गया और हाइड्रोजन 4, ये आपका मॉलिक्यूल बन गया। स्कूल के लिए करते हैं तो अपन वो सारा टेबल वगैरह बना के जैसे अपन लिखते हैं वैसे बनाना होता है, आपने सिर्फ हमसे एम्पिरिकल मास पूछा, मुझे क्या करना था मोलर रेशियो कैलकुलेट करने थे, मास के भिन्न थे मोलर रेशियो कैलकुलेट करने थे और सिंपलेस्ट मोलर रेशियो बता देना था। राइट अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है दैट इज, अब देखो बी सेक्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपको नहीं पता, भाई फर्स्ट क्वेश्चन इट इज जस्ट अ मोल फ्रैक्शन, चलो मोल फ्रैक्शन में मैं मान लेता हूँ कि चलो फ्रैक्शन वगैरह स्टूडेंट उतना ज्यादा नहीं सोच पाता है, उसको लगता पता नहीं कोई बड़ा कंसेप्ट होगा। सेकंड वाला तो एकदम ही वैसे था कि भाई परसेंटेज की बात कर रहे थे कंपोजिशन की, मैथ्स में बहुत परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन पढ़ते हो आप,
अब सी सेक्शन की बात करते हैं, तो सी वन पूछा है किसी ने, तो पहले अपन सी वन की बात कर लेते हैं। सी वन में अपन को गिवन है कैलकुलेट द रेसिड्यू ऑब्टेन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ 7.2.76। देखो भाई मैंने आपको बताया कि जो इनर्ट मेटल होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से, तो अपने पास सिल्वर कार्बोनेट है तो इनके डिकम्पोजिशन से कभी मेटल ऑक्साइड नहीं बनता, मेटल बनता है CO2 बनता है और हाफ ऑक्सीजन बनेगा। अब उसने कहा है पुलसे कि आप मुझे इस क्वेश्चन में बताओ, ठीक है जो उस क्वेश्चन में पूछा है अपन देख लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन में पुलसे पूछा है कि कैलकुलेट द रेसिड्यू ऑब्टेंड। हाँ तो रेसिड्यू तो ये है, कल तो अपन पढ़ रहे थे भाई कि गैसेस की वजह से लॉसन रेट होता है और रेसिड्यू होता है जो बचा हुआ पार्ट है वो रेसिड्यू होता है, ठीक है। अब वो अपन से क्या बोल रहा है इसमें, वो बोल रहा है कि 2.76 ग्राम ऑफ Ag2CO3 अपन को गिवन है और अपन को बता रहा है हाउ मच दिस इज प्रेजेंट। बड़ा इजी हो गया, अपन क्या करेंगे, अपन को पता है अगर मुझे इसका मास गिवन है कितना 2.76 ग्राम, तो अपन क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ Ag2CO3। ये तो अपन को सबको लिखना आता है 2.76 डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो Ag2O का। चलो देखते हैं, एक सिल्वर होता है 108, दो सिल्वर हो गए एक और 108, कार्बोनेट होता है 60, तो 276 आ रहा है, तो बड़ा इजी हो गया। अपन क्या करेंगे इसमें, अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि दो सिल्वर है ना इधर, अपन बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। इसके मोल्स कितने हो गए 276, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/100 आ गया। अभी रिएक्शन में ना अपन को मोल्स कोरिलेट करना आता है, मोल्स ऑफ Ag2CO3 है ना डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 = मोल्स ऑफ Ag, अपन से रेसिड्यू मतलब Ag पूछा, सो मोल्स ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इसका मोलर कोएफिशिएंट 2, ये लो आपस में कोरिलेट कर दिया। इसका कितना मोल्स गिवन है अपन को 0.01, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और Ag2 आ जाएगा मोल्स ऑफ Ag। अब अगर आपके पास मोल्स ऑफ Ag है तो मास ऑफ Ag कितना होगा, मास ऑफ Ag बताओ मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अपन को पता है मोल्स को मास में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको Ag के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना होगा और एटॉमिक मास कितना लिया था मैंने 108, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो इसको तो 216 आएगा और 2.16 अपना ग्राम आएगा, ये डेसिमल ऐसे लिखना है। आपको बताया मैंने क्या केमिकल रिएक्शन, तो चलो दूसरा क्वेश्चन, किसी ने अपन से और कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो अपन वो भी लिखें, फिर वी कैन राइट दैट। C3 भी पूछा है तो अपन C3 बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे C3, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को, चलो C3 की बात करते हैं। अब C3 में ना वैसे C3 टाइप का क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया हुआ, ठीक है, देखते हैं भाई C3 में क्या करना है आपको, तो इसमें कोई डाउट नहीं ना, चलो C3 में वी आर गिवन दैट सैंपल ऑफ KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स दिस मच ml ऑफ ऑक्सीजन एट एंटिटी। भाई KClO3 ये तो क्लास में आपने कई बार कंपाउंड बताया हुआ है, ये KCl बनाता है प्लस O2 बनाता है, ये 3 होता है, ये 2 होता है, ये 2 होता है, बैलेंस कर दिया, राइट। अब अपन क्या करेंगे इसमें, इसमें अपन को ना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, तो अपन को पता है अगर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है तो मुझे डाटा किसका मिल गया, ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का डाटा मिल गया तो इनमें से किसी का भी डाटा पूछ लो आप मुझसे, क्या पूछा इसने, कैलकुलेट वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट, मतलब इसको मोल्स को मतलब वॉल्यूम को किसमें कन्वर्ट करना है आपको, वेट में कर देंगे, वेट ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन, तो इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा, बाद में इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके वेट कैलकुलेट कर लूंगा। फिर थर्ड में क्या पूछा है, वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड, ठीक है इसके मोल्स से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा और उसका वेट कैलकुलेट कर लूंगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात है।
फर्स्ट पार्ट में मुझे उसके वॉल्यूम को मतलब वॉल्यूम एंड एंगल एट एसटीपी अपन को गिवन है, गिवन है ना, एसटीपी लिखो या एनटीपी लिखो अपन को कोई डाउट नहीं है। तो 22400 होता है डिवाइडेड बाय होता है वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये तो इक्वेशन अपन को पता है भाई। अगर किसी भी एक ही कंपाउंड के लिए अपन को वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करना है तो इक्वेट कर दो, ये दोनों तो कांस्टेंट है। कितना गिवन है अपन को 448 डिवाइडेड बाय 224 इनटू 100 कर देता हूं तो 22400 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपन को पूछा है और मॉलिक्यूलर मास 32। लो भाई आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। तो आपने बताया हुआ ना पहले कैलकुलेट कर दिया अपन ने, फर्स्ट पार्ट आ गया अपना। इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो मैंने इसलिए इसको 100 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि फिर को पता चल रहा है ऐसे। तो अपन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 64 बाय 100 मतलब 0.6 का आंसर आ गया। ठीक है, अब अपन दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में उसने इसका मास पूछा है कि कितना अमाउंट लिया था। ठीक है, तो उसके अमाउंट को बता देते हैं अपन कितना लिया होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसके मोल्स अपने पास है, दिस इज द मोल्स, कितना आ रहा है 2/100 इसके मोल्स है। तो अपन को पता है मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 इज 448 डिवाइडेड बाय 22400 दैट इज इक्वल टू 2/100 सो 0.02। तो अपन लिखेंगे भाई अब मुझे इसके मोल्स चाहिए क्योंकि उसका डाटा पूछा है ना, उसका ग्राम पूछा है तो उसके मोल्स चाहिए। तो अपन लिखेंगे मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय उसका मोलर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, क्योंकि अगर रिएक्शन में किसी के भी मोल्स से दूसरे के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, ऐसे इक्वेशन बनाते हैं मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय। तो मोल्स ऑफ O2 तो मुझे गिवन है तो KClO3 के मोल्स लिख लेता हूं। सो मोल्स ऑफ KClO3 कितना आएगा 2/3 इंटू मोल्स ऑफ O2 कितना है 0.02। तो मास ऑफ KClO3 कितना होगा, मास में पूछा है से मोल्स में पूछा है तो मास में वेट अमाउंट पूछा है, वेट पूछा है से, तो ठीक है तो वेट ऑफ KClO3 लिख देते हैं। तो चलो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके। सो 2 इनटू हो जाएगा अपने पास 0.02 डिवाइड बाय 3 और उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 122.5। लो भाई आपका मास आ गया, आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो। राइट ना, तो अपन उसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या, तो थर्ड वाला पार्ट, ठीक है थर्ड वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है अपन को, इससे इसका डाटा कैलकुलेट कर देते हैं। अब अपने पास सारे डाटा है, इससे इसका डाटा कैलकुलेट कर दो या इससे कैलकुलेट कर दो। अब आप KCL के बारे में पूछ रहे हो तो अपन कहेंगे KCL के लिए ना मोल्स ऑफ KCL डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 3। O2 के मोल्स हमें गिवन है तो मोल्स ऑफ KCL कितना आ जाएगा, दैट इज 2/3 इंटू मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 कितना है 0.0। तो वेट ऑफ KCL कितना हो जाएगा, इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट द वेट ऑफ KCL। So therefore, weight of KCl. So weight of KCl will be equal to कितना हो जाएगा अपने पास 2 into 0.02 divided by 3 multiplied by इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 74.5। लो ठीक है ना, समझ में आया अपन को, तो वी आर एबल टू राइट दैट। तो इसमें मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था कि कोई क्वेश्चन ना कर पाए। फिर उसके बाद जो आपने पूछा था वो था सेक्शन डी, तो पार्ट वन का E4 पूछा है। E4 में वी आर गिवन दैट, ठीक है भाई E4 फिर परसेंटेज वगैरह से कोरिलेटेड है, ठीक है कोई बात नहीं अपन E4 फिर परसेंटेज से कोरिलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं।
पहले मैं इसको हटा लेता हूँ। पता आप क्या करो, आप क्वेश्चन को ना पहले आप उसको समझो, पहले आप ना जल्दी से, आपको क्या लगता है कि बस एक बार मैंने पढ़ा और मुझे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे नहीं होता, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना, उनको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो आपको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा तो अपना आएगा, ठीक है। बस आपको, और जो क्लास में पढ़ाया जाए ना, आप कभी कभी ऐसे भी होता है कि सीक्वेंस में क्लास में नहीं पढ़ पाते, लेकिन आप ये कोशिश करो सीखने की कि हम कैसे, अच्छा सर ये बता रहे हैं तो इस टाइप से मुझे सोचना था, तो मैं आपको इस क्वेश्चन में जैसे आपको एक सोच बता रहा हूं कि आपको क्या सोचना चाहिए। A sample of chalk content clay as impurity. क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होता है, ठीक है। अपन क्या करेंगे भाई, एक sample of chalk है, चलो भाई ठीक है मेरे पास ये चौक है और इसमें क्ले जो है इम्प्योरिटी है। अब अपन को ये क्वेश्चन में पक्का गिवन होगा कि चौक में अगर ये इम्प्योरिटी है तो चौक किससे बना हुआ है, वैसे अपन सबको पता होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, राइट। चौक मतलब बट उसमें गिवन होना चाहिए। द क्ले इंप्यूरिटी लूजेस 11% ऑफ इट्स वेट मॉइस्चर ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग। जब मैं इस चौक को हीट करता हूं इसको, तो ये जो क्ले होता है ना, क्ले में मतलब इसमें एक सब्सटेंस होगा प्लस वाटर होगा, वो कह रहा है कि ये जो वाटर ना ये 11% है, मतलब इसमें और भी पार्ट होगा, मतलब इंप्योरिटी में सो मिट्टी पत्थर जैसे होते हैं तो मड वगैरह होगा और मड के अलावा उसमें वाटर भी होता है। तो अगर क्ले को हीट किया जाए तो ये क्या करता है, 11% वाटर एज अ मॉइस्चर लूज कर देता है। अपन को गिवन है ना क्वेश्चन, पढ़ के देखो। द क्ले इंप्योरिटी मतलब क्ले जो पूरा इंप्योरिटी है ना, ठीक है, लूजेस 11% ऑफ इट्स वेट एज अ मॉइस्चर ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग। तो क्ले को अगर हीट करो तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि क्ले में जो है ना 11% वाटर प्रेजेंट है, ठीक। 5 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ चॉक, अच्छा अब आपने काम की बात की मुझे, 5 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ चॉक, ठीक है। तो अपने पास ये जो है चॉक, ये 5 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ चॉक ऑन हीटिंग शोज अ लॉस इन वेट, ओके। अगर इसको हीट करूंगा तो लॉस इन वेट होता है कितना, 1.1 ग्राम। मतलब अगर मैं 5 ग्राम चॉक को हीट करूंगा, आप जैसे अपन ने कल पढ़े थे लॉस ऑब्जर्व लॉस इन वेट, तो अपन क्या करेंगे, जब अपन 5 ग्राम चॉक को हीट करते हैं तो ऑब्जर्व लॉस इन वेट, लॉस इन वेट इज इक्वल टू 1.1 ग्राम, ये अपन को पता है। क्या पूछा है अपन से, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द चॉक, मतलब उन्होंने ये बता दिया कि चॉक में कैल्शियम कार्बोनेट है। अब अपना काम शुरू होगा कैसे, तो अपन कहेंगे देखो भाई आपने टोटल मास ऑफ द चॉक, जो मास ऑफ द सैंपल है वो कितना कि मैंने 5 ग्राम, ठीक है। आपने पूछा ये कितना परसेंटेज है, तो ये भी रहा होगा चॉक में, तो अपन क्या करते हैं इसको मान लेते हैं एक्स ग्राम, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा, 5 - x ग्राम, ये तो अपन को पता है ना, राइट। अब अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि ये लॉस इन वेट तो क्ले से भी होगा और इससे भी होगा, इससे कैसे लॉस इन वेट होगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर कैल्शियम कार्बोनेट आपने दे रखा है और इसको हीट करूंगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा और CO2 की वजह से लॉस इन वेट होगा, होगा ना, CO2 की वजह से लॉस इन वेट। तो अपन क्या करेंगे, अगर इसका x ग्राम गिवन है तो इसके x ग्राम से कितना CO2 लॉस हुआ वो देखना पड़ेगा। तो अपने दिमाग में अब एक बात आना शुरू हो गया कि लॉस इन वेट जो है ना, लॉस इन वेट इज ड्यू टू वेट ऑफ CO2 प्लस वेट ऑफ वाटर। कैसे भाई, लॉस इन वेट किससे होगा, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगा तो CO2 लिबरेट हो जाएगा और इसको हीट करूंगा तो 11% वाटर लिबरेट हो जाएगा,
इसका कितना मास लिया अपने सैंपल में, 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो 5 माइनस एक्स का 11% वाटर होगा, तो अपन कहेंगे वाटर तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, 5 माइनस एक्स इंटू 11/100, ये तो हो गया भाई मेरे पास वाटर का लॉसन वेट। अब CO2 का अगर लॉसन वेट मिल जाता ना मुझे, तो मैं टोटल लिख देता ये 1.1 जो अपन को दिख रहा है। अब CO2 का मास कैलकुलेट कर सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अपन को इसका मास गिवन है, तो CO2 का मास आ जाएगा। कैसे आएगा? इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दो। कैसे लिखेंगे अपन? पता है भाई मोल्स ऑफ CaCO3 कितना होगा, मोल्स ऑफ CaCO3 कहेंगे दैट इज x बाय 100, उसका मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम 40 होता है और कार्बोनेट 60 होता है। जितने मोल्स इसके, क्योंकि इसका भी मोल्स वन है इसका भी मोल्स वन है, तो दोनों के मोल्स बराबर होंगे, तो मोल्स ऑफ CO2 x बाय 100, तो मास ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर मास कितना है CO2 का 44, तो x बाय 100 इंटू 44, लो भाई मेरे पास मास आ गया। अगर आपने इसको एक्सट्रा लिया था तो लो भाई मेरे पास ये रहना, x बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 44। अब किसी को डाउट है तो बताओ, सॉल्व करके x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये परसेंटेज ऑफ CaCO3 आ गया, वो कितना होगा 5 ग्राम सैंपल में, तो फिर क्या लिखेंगे 1.1 ग्राम, है ना 1.1। अब सॉल्व कर लेते हैं x के लिए, सो 1.1 विल बी इक्वल टू 0.44x प्लस वो हो जाएगा अपने पास ये 0.11 होगा ना, तो 0.55 माइनस 0.11x, ये हो गया आपका आंसर। आप x कैलकुलेट कर लो तो आपके पास परसेंटेज ऑफ CaCO3 आ गया। परसेंटेज ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे भाई x डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहां से x कैलकुलेट कर लेते हैं मास ऑफ कैल्शियम का। इसमें साफ साफ अपन को दिया तो है, ऐसे ना थोड़ा सा आप आउटलाइन बनाओ, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं समझोगे ना और सॉल्व करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। और ये आपको थोड़ा सा लगेगा अरे यार मतलब कैसे समझें, मतलब ये तो बड़ा टफ है, ये टफ नहीं होता। और अगर आप क्वेश्चन समझने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर आप अगर इजी इजी पढ़ते रहे ना अपन, और अपन कहेंगे थोड़ा बस आप कंफर्ट जोन में रखो मुझे, तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, फिर अपन रिजल्ट के लिए रोएंगे, है ना। जैसे कल रिजल्ट आया तो हम लोग भी बड़े मतलब वो रहते हैं, अरे यार रिजल्ट आ रहा है पता नहीं बच्चों का क्या होगा, कल रिजल्ट आया जैसे, तो अभी मतलब मोस्टली मतलब पनवेल और थाने सेंटर पर पढ़ाता हूँ, पनवेल सेंटर पे तो बच्चों का रिजल्ट ही बड़ा बढ़िया आया, तो 77 स्टूडेंट थे टोटल, मतलब जो एग्जाम देने वाले थे उनमें से 47 क्लियर मेंस, जो मेहनत करते हैं उनका मेंस पास, और 47 में से 27 क्लियर एडवांस, कैन चेक द परसेंटेज एडवांस। वो इसलिए ऐसे होता है क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा सा आपको थोड़ा तो मतलब मेहनत करनी होगी, थोड़ा तो टफनेस आना ही चाहिए। अभी 47 में से 27 रिजल्ट तो मतलब मेरे ख्याल से ठीक ही होता है, तो अपन को पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं है। अगर मैं आपको कंफर्ट जोन में भी रख सकता हूँ, चलो इजी इजी क्वेश्चन करते हैं खत्म करते हैं, बट अगर अपन को रिजल्ट नहीं मिलेगा रिजल्ट चाहिए थोड़ा पढ़ना, ठीक है ना। तो आप ना ऐसे आउटलाइन बनाओ, जब ये आउटलाइन बनाओगे ये सीख जाओगे ना आउटलाइन बनाना, तो आपको क्वेश्चन ना दिखता है फिर कि हमें क्या करना है, और आपको ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें जो आपको नहीं पता। मैंने कल कंपोजिशन वाले कितने सारे क्वेश्चन किए थे, और भी इससे अच्छे क्वेश्चंस किए थे, ये तो कुछ भी नहीं है उसमें, राइट। तो अपन क्वेश्चन अपने पास ये, अब किसी ने मुझसे पार्ट टू का भी एक क्वेश्चन पूछा था, अपन पार्ट टू के क्वेश्चंस के लिए देख लेते हैं भाई क्या है।
डी सेक्शन नहीं दिया था, डी सेक्शन में कोई डाउट नहीं था, लिमिटिंग रीजन वाले पार्ट में, पार्ट टू। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अभी मैंने बता दिए तो बाद में नहीं बताऊंगा, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बस। मतलब ऐसे कुछ भी नहीं है कि आप पार्ट टू का बी थ्री और बी फोर बताना है, बता दूंगा। एक बार ऊपर भी किसी ने पूछा था पार्ट टू का बी थ्री बी फोर सी वन, ठीक है मैं बता दूंगा पार्ट टू का बी थ्री बी फोर। ओके, तो मेरे ख्याल से सल्फर वाला क्वेश्चन तो बताने की जरूरत नहीं, बी थ्री वाला क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं, देख लो आप एक बार, है ना। बी थ्री वाला क्वेश्चन तो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो अपन को आ जाएगा, है ना। पार्ट टू का सी वन, नॉट बी थ्री एंड बी फोर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि कैसे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना था। वेरी गुड। वो एक छोटा सा, मतलब देखो आपने पूछा ना, आपको छोटा सा कंसेप्ट समझ में आ गया ना, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, सारी चीजें पता चली। अब मैं आपको बताता हूँ सी वन, क्योंकि बी थ्री बी फोर मना कर दिया उसने कि सर आ गया हमारा, ठीक है। अब सी वन की बात करेंगे अपन, तो 12 ग्राम ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स दिस मच ग्राम ऑफ नाइट्राइट, तो अपन को क्या करना है, क्वेश्चन में ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। अब ना थोड़ा सा अपन को ऐसे सॉल्व करना चाहिए, राइट लाइक दिस, दैट इज वी कैन से दैट सी वन में 12 ग्राम ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ नाइट्राइट। तो वो कह रहा है कि भाई एक मेटल है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये अपन को पता है, ये नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा होगा, नाइट्राइट। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो अपन को पता है उसका वैलेंसी कितना होता है, प्लस टू। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, अब आप ये देखना है, जैसे मान लो मेरे पास, सपोज करते हैं फॉर एग्जाम्पल कैल्सियम है मेरे पास, ये प्लस टू, और नाइट्रोजन मेरे पास माइनस थ्री होता है, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे, तो अपन को पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इसको M3 बना देता हूँ और नाइट्रोजन को 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर कैल्शियम ऐसे बनेगा ना, कैल्शियम 3 नाइट्रोजन 2 बन गया आपका। तो ये आपका कैल्शियम नाइट्राइड है, तो मुझे ये आपने गिवन नहीं है ना कि कौन सा मेटल है, तो फिर मैं कैसे बताऊंगी कौन सा मेटल है। तो अभी अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं कि कोई मेटल है अपन को पता है, तो चलो बैलेंस कर देते हैं, ये बैलेंस हो गया। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है 12 ग्राम ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स दिस मच ग्राम ऑफ नाइट्राइट, मुझे दोनों चीजें लेना है, तो इसका 12 ग्राम कितना ग्राम देता है, ये 14.8 ग्राम। अपन क्या करेंगे इसके मोल्स, अब अपन क्या करेंगे, मोल्स से कोरिलेट करेंगे, अपन को नहीं पता कि इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना, तो अपन लिखेंगे भाई लेट द एटॉमिक मास ऑफ एम, है ना, मास ऑफ एम इज इक्वल टू, है ना, ए ग्राम, ए लिख दिया। तो अपन क्या करेंगे, मोल्स ऑफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय कितना ग्राम, ए ग्राम। तो इसके मोल्स आ गए, अब इसके मोल्स से इसके मोल्स को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अपन को उसका डाटा के देना है, तो मैं चलिए मोल्स ऑफ एम डिवाइडेड बाय 3 is equal to moles of M3N2 divided by उसका molar coefficient 1। इसके moles कितने आ गए अपन के अपने पास, तो इसके moles का substitute कर देते हैं, तो 12 by A into 1 by 3 is equal to 1 से multiply किया, तो I got moles of M3N2। अब अपन क्या करेंगे, इसका मुझे weight given है, इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए, या फिर अपन क्या करेंगे इसका मास लिख देते हैं सीधा, भाई मास ऑफ M3N2 इज इक्वल टू होता है 12 A इंटू 1/3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, है ना, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो अपन कहेंगे 3 तो M है और 2 नाइट्रोजन है, तो ठीक है भाई, That is 12 by A multiplied by 1 by 3 molecular mass हो जाएगा 3A plus 28 because N2 is 28, ये इसका molecular mass हो गया। अब इसमें mass तो अपन को given है, इसका कितना given है 14.8, लो भाई मेरे पास A का value आ गया, A का value आ गया, तो data given था, इसका mass, इसका भी mass, तो question में आप हमेशा बोलते हो कि मोल्स के बगैर कैलकुलेशन में कोई कैलकुलेशन केमिस्ट्री में कोई कैलकुलेशन नहीं होता, तो
तो ठीक है, इसका मास गिवन था, एटॉमिक मास उसका कैलकुलेट करने के लिए बोला आपने, तो ए ले लेता हूं एटॉमिक मास, तो इसके मोल्स आ गए, इसके मोल्स से इसके मोल्स आ गए, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेट इतना आना चाहिए, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके वेट इतना आया, कैलकुलेट कर देते हैं, कैलकुलेशन भी थोड़ा सिंपल है, दिख रहा है अपन, बता दे, राइट, तो हो गया आपका क्वेश्चन, अब किसी को डाउट है तो बताओ। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर, अब आप डी और ई सेक्शन पूरा कंप्लीट करोगे, पार्ट वन पार्ट टू से, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई सारा कंप्लीट करोगे पार्ट वन पार्ट टू, ठीक है ना, और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आया, आपको फर्क पड़ना चाहिए, मैंने सर सारे ट्राई किए बिल्कुल ईमानदारी से और मुझे क्वेश्चन नहीं आया, आप मुझे फिर से बताओ, कोई बात, राइट ना, अब अपन मतलब रुक जाते हैं, अब आगे नहीं सॉल्व करते हैं, तेजस को और भी क्वेश्चन पूछने हैं, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बता दूंगा क्वेश्चन, व्हाट आई वांट ना, सबको आना चाहिए क्वेश्चन, पार्ट टू का वो C5 पूछ रहा है, तो चलो अगर C5 मतलब अपन को लगेगा काफी अच्छा क्वेश्चन है तो ठीक है, चलो एक बार अपन उसे C5 बता देते हैं, क्योंकि वो पॉलीमर के फॉर्म में है, कोई बात नहीं, हम लोग बता सकते हैं, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अपन को, अब उसमें ना पॉलीमर के फॉर्म में है तो आप क्या करो, जो उसका मॉलिक्यूलर मास है ना C2H4, तो कार्बन 2 हो जाएगा 24, 4 28, तो n को मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर मास ले लेना उसका 28n, है ना, जैसे मान लो अपन को ऐसे गिवन है ना, तो देखो अपन ऐसे थोड़ी करेंगे, जब इधर ये नंबर लिखा हुआ है तो इसका एटॉमिक मास में 3 का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन अगर वही नंबर इधर लिखा हुआ है तो इसके एटॉमिक मास में 3 का रोल होगा, क्योंकि जब अपन N2 लिखते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट कितना लेते हैं 28 ग्राम, लेकिन अगर अपन 2N लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट कितना लेंगे, तब थोड़ी 28 ग्राम लेंगे, ये इधर इसका कोई मतलब थोड़ी होता है, तो मोलर कोएफिशिएंट है, ठीक है ना, तो आपका आंसर आया, तो ये इस टाइप से मॉलिक्यूलर मास लेना आपको आना चाहिए, ठीक है, अब अपन वेट करते हैं और सारे स्टूडेंट मतलब कल फिर सॉल्व करके मतलब नेक्स्ट क्लास में मुझे फिर सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, अब अपन 1 आवर पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, तो आप लोग कल फिर मुझे बताओगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में जो भी है आप डाउट मुझे फिर बताओ, तो अपन डाउट्स पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपको आइडिया आया ना कि अच्छा ठीक है ऐसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें चैप्टर में आपको थोड़ा सा ऐसे आइडिया देना पड़ेगा, देखो दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी लगेगा कि यार शुरुआत कैसे करनी है, लिखा तो है मुझे तो यही नहीं पता शुरुआत कैसे करनी, तो अभी आपको ये पता चला अच्छा ये सारा पार्ट तो आपने बताया था, स्टार्टिंग ऐसे करना है ना, कई बार स्टूडेंट को ये लगता है कि यार मुझे तो ये पता ही नहीं कि शुरू कैसे करना है, तो बताऊं कैसे, राइट, तो चलो अपन अब अपन को जो शुरू करना है वो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, मतलब मोल कॉन्सेप्ट में मैंने काफी कुछ डिस्कस कर लिया, अब अपन को शुरू करना है रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला, तो अपन रिडक्शन ऑक्सीडेशन पार्ट की बात करें, ठीक है, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पार्ट में लेट अस चेक उनको क्या करना है, इधर रिफ्लेक्शन ज्यादा तो नहीं आ रहा ना, मतलब तो दिख रहा था ना जो मैं लिख रहा था वो, यस सर दिख रहा है, हाँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि क्योंकि वो मुझे भी दिखता है अगर स्क्रीन पे कि मतलब रिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बता देना, अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो चलो ठीक है भाई अपन उसको आगे लिखते हैं, तो विल राइट दैट, मैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात कर रहा था कि अपन रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़े, सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है, अब पहले अपन ये देखते हैं कि भाई जैसे अपन ने पहले पढ़ा हुआ है रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बारे में छोटे क्लासेस में, तो वो क्या था वो देखते हैं, है ना, रिडक्शन किसको कहते हैं ऑक्सीडेशन किसको, तो पहले मैं एक डिफरेंस जैसे लिख लेते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डिफरेंस लिखते हैं, रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का डिफरेंस,
फिर अपन चेक करेंगे उसको आगे। तो रिडक्शन में जो अपन ने पढ़ा हुआ है ना पहले, उसमें होता है भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ रिएक्शन इज अ रिडक्शन प्रोसेस। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट विल बी अ रिडक्शन प्रोसेस। और जरूरी नहीं कि एक ही हाइड्रोजन ऐड करेंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन ऐड करोगे तब भी मैं उसे रिडक्शन प्रोसेस बोलूंगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास अगर ऐसे कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड गिवन है, उसमें हाइड्रोजन का ऐड कर देता हूं, अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड करूंगा तो इट विल बी अ रिडक्शन। इसमें जो था उससे ज्यादा हाइड्रोजन से इसमें अपन को दिखना चाहिए, तो अपन कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस। फिर अपन लिख सकते हैं कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो मेरे पास ऐसे गिवन है, एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास CH4 गिवन है, इसमें O2 ऐड करता हूं तो आई गेट दैट CO2 प्लस H2O। कंबशन में अपन को मिलता है ना कि भाई किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बनता है। सो ऑल कंबशन रिएक्शंस, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो जितना भी कंबशन रिएक्शन होगा वो सारे के सारे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या आप बोलेंगे जिस रिएक्शन में भी आप O2 ऐड कर दोगे तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो अपन कहेंगे अच्छा बताओ ये क्या होगा, इसमें तो हाइड्रोजन भी ऐड कर रहा हूं, ऑक्सीजन भी ऐड कर रहा हूं, तो अपन कहेंगे ये रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। मतलब ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन प्रोसेस भी है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है। दूसरा चेक, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अ रिडक्शन प्रोसेस, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन प्रोसेस। अगर आप कहीं पर रिमूवल करते हैं ऑक्सीजन एटम का तो भी वो रिडक्शन प्रोसेस होगा। जैसे मान लेते हैं अपन, मेरे पास सिल्वर ऑक्साइड है, मैं इसको हीट करता हूं तो सिल्वर एटम बनेगा प्लस O2 बनेगा। तो मैंने क्या किया, इस ऑक्साइड को ना, मेटल को ना रिड्यूस कर दिया मेटल में। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज अ रिडक्शन प्रोसेस। अच्छा, इसका मतलब रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन होगा। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एटम दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ठीक है, हाइड्रोजन एटम का रिमूवल है तो मैं उसको लिख देता हूं भाई, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे इट विल बी अ दैट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो फिर क्या करेंगे, मेटल को ना किसके साथ रिएक्ट कर देते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट। तो मैट्रिक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ प्लस H2O। इसमें रिमूव किया आपने हाइड्रोजन एटम इन द रिएक्शन, तो अपन कहेंगे इसमें रिडक्शन प्रोसेस। आप इसका भी रिवर्स लिख सकते थे, इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो हाइड्रोजन रिमूव किया ना, तो रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन इज राइट रिडक्शन, एंड रिवर्स ऑफ रिडक्शन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन किससे डिस्प्लेस हुआ, इससे लिक्विड को ऐड करना है, तो अपन कहेंगे वो रिडक्शन प्रोसेस। तो अपन कहेंगे नेक्स्ट वी कैन राइट दैट, अब रिडक्शन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन प्रोसेस अपन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो रिडक्शन प्रोसेस का मतलब होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड इन द प्रोसेस, gained in the process। तो अगर मान लो कोई प्रोसेस है पहले जिसको लिखा है भाई, मेरे पास कॉपर आयन थे और 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके मैं कॉपर में कन्वर्ट करता हूं, दैट इज अ रिडक्शन प्रोसेस। और इसको आप ऐसे भी पढ़ते हो, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। तो इधर ना कैथोड से अपन इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो जब कोई मेटल होता है ना तो अपन मेटल का डिपोजिशन करते हैं इस पे, क्योंकि मेटल इस पे इलेक्ट्रॉन थे कैथोड पे। तो कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ रिडक्शन प्रोसेस, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो अपन लिखेंगे ठीक है भाई,
तो अगर किसी रिएक्शन में व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इन द प्रोसेस, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रोसेस, तो अगर किसी भी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हो रहा है तो अपन उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इसका रिवर्स लिख देता हूं, ये हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपर गेट कन्वर्ट्स इनटू कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वी गेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब कोई भी मेटल लिख सकते हैं, अगर मेटल आयन होगा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो रिडक्शन प्रोसेस है, और लॉस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो फिर भी ऑक्सीडेशन। अब एक बार देखो, मैंने यहां पर भी रिडॉक्स प्रोसेस का एग्जांपल लिया, लेकिन हाइड्रोजन लिबरेट किया था तो अपन ने कहा वो रिडक्शन प्रोसेस है। कैसे, मैग्नीशियम जो था ना, इधर मैग्नीशियम मेटल था, जबकि यहां पर अगर सीएल टू लिखा मतलब ये प्लस टू में कन्वर्ट हुआ होगा, मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, क्लोरीन माइनस वन होता है, मैग्नीशियम प्लस टू होता है, ये तो एलिमेंट जैसे था, तो वहां पर कंप्लीट रिडॉक्स प्रोसेस का एग्जाम्पल किया था, बट हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा था, पता चल गया उनको भी रिडक्शन कर रहा है, तो उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा था मैग्नीशियम का। मेटल आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो हमें ये पता है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा प्रोसेस में तो इट इज अ रिडक्शन प्रोसेस, और लॉस होगा तो इट इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब जो वर्ड अभी मैंने बोला था एजेंट, वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शोस रिडक्शन प्रोसेस, और रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट एजेंट शोज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब पता अपन को क्या पता चला इससे, अपन को पता चला कि आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलता हूं तो इट विल शो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं ना कि एजेंट और प्रोसेस, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करेगा, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिडक्शन प्रोसेस शो करेगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एजेंट और प्रोसेस एक तरीके से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिडक्शन प्रोसेस, मतलब इट इज नॉट प्रोपोर्शनलिटी, मतलब उल्टा ऐसे बोल सकते हैं भाई, रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिडक्शन प्रोसेस शो करेगा, मतलब इट इज लाइक कि इनवर्स टाइप का कोई रिलेशन बन रहा है, इट इज नॉट प्रोपोर्शनलिटी, कोई कैलकुलेशन थोड़ी करने पर। लेकिन मुझे एक याद रखने के लिए ऐसे कुछ रहेगा कि देखो भाई रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करेगा, चलो देखते हैं। मैंने आपसे अभी बोला एक बात और अपन सबको पता होता, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। भाई ये सेंटेंस अपन बहुत पढ़ते हैं, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, यहां पर इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यहां पर उसने क्या किया इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किया, तो अपन क्या करेंगे, अगर कोई मॉलिक्यूल और एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो वो मॉलिक्यूल और एटम रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और प्रोसेस कौन सा शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस और एजेंट को अपन अच्छे से याद रख सकते हैं मेटल से, जैसे अपन को पता रहेगा भाई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मतलब मेटल इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मेरे ख्याल से अपन को डाउट नहीं होगा कि मेटल में तो हमेशा याद रहता है अपन को कि भाई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, दे हैव टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, याद हो गया, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सो दे शो प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस।
वी गॉट इट ना। अब अगर बता सकते हैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शोज रिडक्शन प्रोसेस, तो इसका मतलब ये था जो ये जो रिडक्शन प्रोसेस शो कर रहा था ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानने का एक और तरीका होता है कि भाई ऑक्साइड्स अगर हैं तो उनमें ऑक्सीजन जरूर होता है और रिड्यूसिंग एजेंट में हाइड्रोजन जरूर होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट तो वो होगा ना, जैसे अपन कहेंगे भाई जो एजेंट है वो प्रोसेस करवाता है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये कौन सा प्रोसेस करवाएगा, भाई एजेंट जैसे अपन कहते हैं ना ट्रैवल एजेंट है तो खुद थोड़ी ट्रैवल करेगा, करवाएगा ट्रैवल। तो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा प्रोसेस करवाएगा, भाई ट्रैवल एजेंट का काम क्या है, दूसरों को घुमाना ना, तो इसका ये कौन सा एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तभी तो रिडक्शन प्रोसेस शो करता है, राइट। ठीक है, तो गवर्नमेंट नहीं पड़ता, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है उनमें ऑक्सीजन जरूर होता है, जैसे एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं लिखूंगा तो मैं आराम से ऐसे लिख सकता हूँ भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, तो फिर कहेंगे ठीक है जिसमें ऑक्सीजन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे SO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HClO4 ऑक्सीडाइजिंग, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा तो जिसमें ऑक्सीजन है वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन ऑक्सीजन होगा जिसमें ऑक्सीजन होगा तो अपन कहेंगे ना तो उसमें यहां पर जैसे ऑक्सीजन है तो इनसे ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन है तो रिमूव होगा देयर ऑक्सीजन, और जिनमें ऑक्सीजन होगा तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम देम विल बी अ रिडक्शन। और इसमें एग्जांपल लिख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है भाई जिनमें ऑक्सीजन नहीं होगा, मतलब ये तो सबसे अच्छा तरीका होता है पहचानने का। रिड्यूसिंग तो अपन को एक आइडिया मिला और मुझे इस आइडिया से बस इतना ही मुझे जरूरी था कि आप उसको समझो इस तरीके से कि भाई हमको जो गिवन था यहाँ पर दैट इज कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन व्हाट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में इट इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में इट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो रिडक्शन प्रोसेस शो करेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट। इनको कैसे पहचानना है वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें अपन को कोई टेंशन नहीं। अपना जैसे अपन क्या करते हैं, अब अपन बात करेंगे, ये तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात थी और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछोगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन में, अगर कोई डाउट होगा तो पूछो। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन चेक करेंगे, आई एम गोइंग टू चेक कि भाई अगर मान लो मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है जैसे H2O, तो मैं ना वैलेंसी चेक करना चाहता हूं, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी है हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी जैसे यहां पर 2 लिखा, तो ये तो मुझे पता है कि इधर 1 लिखा है इधर 2 लिखा है, तो ये 2 वैलेंसी रहा होगा इधर 1 वैलेंसी रहा होगा। अब इसको क्या लिखूं, इसको -1 × 2 लिखूं और इसको +2, या फिर इसको -2 लिखूं और हाइड्रोजन को +1 × 2, मतलब इसको प्लस लेना है या इसको प्लस लेना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो फिर कहेंगे भाई ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको माइनस लो, हाइड्रोजन को थोड़ी लेना। हाँ तो हमें कैसे पता चलेगा, ये तो H2O है, बाकी मुझे कैसे पता चलेगा कि किसमें क्या लेना। तो अगर कहेंगे फिर उसके लिए तो हमें पता होना चाहिए कि भाई पता होगा तो ही बता सकते हैं, नहीं तो नहीं। हाँ तो वो कैसे पता करेंगे, वही पढ़ने वाले हैं कि उसको अपन को बताना, राइट। अब अपन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये तो गलत था, ये तो अपन को पता था ऐसे करना है, तो अपन वो देखेंगे कैसे करना है। उससे पहले अपन एक बार चेक कर लेते हैं वैलेंसी, ठीक है ना, वैलेंसी की बात कर लेते। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी फॉर मेटल्स, मेटल्स होता है इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
और मुझे लगता है कि सबको पता है व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, इस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर नॉन मेटल्स तो फिर कहते हैं भाई नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स में भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 8 होता है, क्योंकि नॉन मेटल का वैलेंसी जो होगा दैट विल बी व्हाट, जो भी नॉन मेटल्स होंगे उनकी वैलेंसी जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे तो हो नहीं सकते कि 8 हो गया तो वरना जीरो हो जाएगा। तो फॉर ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स वैलेंसी विल बी इक्वल टू जीरो, एलिमेंट्स के लिए वैलेंसी जीरो। अब ये दोनों तो बताने की जरूरत है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि अगर हम चेक करेंगे तो सबको पता है वैलेंसी कैसे कैलकुलेट होता है। एलिमेंट्स में क्या होता है, जैसे अपन कहेंगे भाई एलिमेंट्स का मतलब होता है, आई थिंक एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, द स्मॉलेस्ट राइट ना पार्टिकल ऑफ मैटर दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो वैलेंसी उसकी वैलेंसी जो होगी वो जीरो। जैसे सपोज करते हैं अपन भाई हमारे पास गिवन है which, मैंने एक एग्जांपल लिया, which of the following तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई अगर जीरो वैलेंसी चाहिए तो मुझे एलिमेंट्स चाहिए, चलो अपन एग्जांपल लिखते हैं और देखते हैं इनमें से कौन कौन से मेरे पास सपोज ऐसे के Cl2, Br2, N2, O2, sodium, aluminium, zinc, फिर मैं ऐसे लिख लेता हूँ O3, right? CO2, CH4, right? Then I can write that it is water. Yes, we can write like this. We can write H2, ठीक है? Or we can write, ठीक है? तो ऐसे लिख देते हैं कॉपर, ठीक है, और यू कैन राइट इवन मेटल्स ना सल्फर ऐसे ऐसे P4 राइट ऐसे और ईएफ और नोबल गैसेस में कुछ एक नोबल गैसेस भी लिख लेता है यानी मिलता है ये अपने पास के। अब अपन चेक करते हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट है, तो अपन कहेंगे भाई क्लोरीन इट्स एलिमेंट, ऐसे Cl2 इज अ गैस ना वैसे एग्जिस्ट करेगा, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन तो N2 जैसे एग्जिस्ट करता है, इट हैज बिकॉज एलिमेंट हैज अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, Cl एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, व्हाई इट इज सो, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो गई, तो Cl2 जैसे करेगा, Br2, N2, O2, सोडियम इट्स अ मेटल, यस इट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एल्युमिनियम जिंक मेटल लिखा आपने, O3 इट इज अ एलिमेंट, एलिमेंट में हमेशा एक ही टाइप के एटम होंगे और उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, ये तीनों ही एलिमेंट नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एलिमेंट में हमेशा एक ही टाइप का एटम होगा और उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एलिमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर सेम टाइप ऑफ एटम्स, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, इसमें तो आपने अलग अलग एटम लिए, दैट्स अ मॉलिक्यूल, इट इज नॉट एलिमेंट, तो वो गलत हो गया। H2 इट इज एलिमेंट, कॉपर इट इज एलिमेंट, सल्फर इट इज मतलब इट एग्जिस्ट एज एसिड, सल्फर तो एक ही टाइप के एटम्स हो गए ना उसमें एलिमेंट, P4 इट इज अ फास्फोरस, यस इट इज एलिमेंट, नियॉन इट इज एलिमेंट, नाउ वी गॉट अ डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल। तो इन सबके ऑक्सीडेशन स्टेट जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, किसी भी एलिमेंट का उसके अपने एलिमेंटल स्टेट में जो एलिमेंट जैसे वो लिखा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कह लेंगे अपन जीरो। जैसे Cl होता तो अपन Cl के लिए थोड़ी जीरो लेते हैं, अपन Cl के लिए तो क्या बोलते हैं 287 है भाई, तो अपन कहते हैं अच्छा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो अपन कहते हैं 7-8 इज इट्स वैलेंसी, राइट
right? 7 minus 8 will be its valency. So we got it. How to calculate the valency of metal and non-metal. Everybody got it? ठीक है भाई, तो ये अब अपन कहेंगे ठीक है ये तो आपने सिंपल मतलब ऐसे बता दिया, ये तो सिंपल हो गया, लेकिन वो पार्ट बताओ ना जिसमें आप कह रहे थे कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव, किसको पॉजिटिव लिखेंगे किसको नेगेटिव लिखेंगे, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो अपन ना उसके लिए एक छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, और उसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज इसमें अपन लिख लेंगे दैट इज ट्रस्टेबल सीरीज, ट्रस्टेबल सीरीज of atom with respect to their observation change. Atom in decreasing order. In decreasing order. Atom with respect to their observation change. Their observation change. तो अपन क्या करेंगे ना? ऑब्जर्वेशन स्टेट लिखते हैं, जैसे अभी मैंने क्लोरीन का बताया था, इन सब का जीरो है एलिमेंट्स का, तो ऑब्जर्वेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में एक अपन ट्रस्टेबल सीरीज लिखते हैं। ट्रस्टेबल सीरीज मतलब किसके ऑब्जर्वेशन स्टेट पे कितना ट्रस्ट करेंगे, वो चेक करते हैं। तो ठीक है भाई, मतलब जिस पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे उसको फिक्स कर देंगे, जिसको कम ट्रस्ट करेंगे उसको चेंज कर देंगे, है ना? जिस पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे अपन उस पे उसको फिक्स कर देंगे, और जिस पर ट्रस्ट कम करेंगे उसको नहीं करेंगे। तो अपन क्या करते हैं यहां पर लिख लेते हैं, दैट इज द एटम लिखते हैं और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, और जरूरत पड़े तो अपन कुछ एग्जांपल भी लिख लेंगे हमें क्या करना है, राइट? तो चलो देखते हैं, वेरी फर्स्ट एटम जो अपन लिखेंगे ना, तो उसमें अपन लिखते हैं फ्लोरीन एटम, तो सिर्फ एफ लिखूंगा तब भी चलेगा, फ्लोरीन एटम लिखा तो इधर के भाई फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ना माइनस वन होता है, व्हाट इज सो, क्योंकि फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, उसका कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। अच्छा ऐसे लिखूं तो अपन भी ऐसे लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्लोरीन इसमें नेगेटिव होगा, ऑक्सीजन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, विदाउट पॉजिटिव और नेगेटिव के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में, तभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अपन क्या करेंगे, जैसे NaCl होता है तो पता है Na और Cl ये प्लस वन, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल था, और दोनों ही नॉन मेटल है तो कैसे डिसाइड करें? तो अपन करेंगे देखो भाई, इधर ना फ्लोरीन तो माइनस वन ही होगा और ऑक्सीजन क्या होगा प्लस टू, एक फ्लोरीन माइनस वन है तो दो फ्लोरीन क्या हो जाएंगे माइनस टू, तो ये माइनस टू होगा ये प्लस टू होगा, मतलब इधर ऑक्सीजन जो वैलेंसी है ना ऑक्सीजन की वो कितनी आएगी प्लस टू आएगी इस मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन पे प्लस टू ऑक्सीजन पे तो माइनस टू होता है, तो अपन कहेंगे इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे प्लस टू, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा ट्रस्टेबल है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन पे माइनस वन होगा और ऑक्सीजन पे प्लस टू होगा, दैट इज कॉम्प्लीट, राइट? ठीक, तो ये पार्ट को ट्रस्ट करने के लिए, ये पार्ट को कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपसे कहा कि अपन ट्रस्टेबल सीरीज देखते हैं, ताकि मुझे ये तो पता चले कि किस मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पे कितना ट्रस्ट, या किस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट पे कितना ट्रस्ट करना है। तो अपन को पता था कि एक फ्लोरीन माइनस वन होता है तो दो फ्लोरीन माइनस टू होंगे, तो फिर जितना माइनस चार्ज होता है उतना ही प्लस चार्ज होना चाहिए, तो ही मॉलिक्यूल न्यूट्रल जैसे एग्जिस्ट करेगा। तो अगर दो फ्लोरीन के और ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पर एटम ही कैलकुलेट करता है, तो यहां पर एक फ्लोरीन माइनस वन था, ये दो फ्लोरीन है इसलिए अपन ने माइनस टू लिखा, तो एक ऑक्सीजन एटम कितना होगा, तो जितना टोटल नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, तभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अभी तो अपन ने ये शुरुआत की, अपन ने तो बस एग्जांपल लिए किए, मतलब व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस, मतलब क्या जरूरत है हमको ट्रस्टेबल सीरीज वगैरह की, जरूरत है अपन को, तभी तो अपन ऑब्जर्वेशन स्टेट बता पाएंगे। सबसे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे अपन फ्लोरीन पे, उसके बाद अपन ट्रस्ट करते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स पे,
नॉर्मल एलिमेंट्स मतलब 1a ग्रुप, उनका प्लस 1 होता है, 2a ग्रुप उसका प्लस 2 होता है, उसके बाद अगर एल्यूमिनियम पे ट्रस्ट करते हैं जिसका प्लस 3 होता है, और जिंक पे ट्रस्ट करेंगे जिसका प्लस 2 होता है। मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये तो अल्कली मेटल्स थे, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे। अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए उनका प्लस 1, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसके बाद से एल्यूमिनियम एंड जिंक, देयर इज नो ग्रुप, हमने सीधा एटम्स को लिखा हुआ एल्यूमिनियम एंड जिंक। इनके बाद हम ट्रस्ट करेंगे दैट इज ऑन हाइड्रोजन, ठीक है, एच एटम। हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? प्लस वन। लेकिन हाइड्रोजन में क्या होता है ना, प्लस वन तो होता है, लेकिन मेटल हाइड्रेट्स में क्या होता है? इन मेटल हाइड्रेट्स, मेटल हाइड्रेट्स, जो मेटल हाइड्रेट्स होता है ना उनमें माइनस वन होता है इसका ऑक्सीडेशन। तो अपन कहेंगे भाई मेटल हाइड्रेट में ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन होता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो अपन कहेंगे लिख के देख लो, Na ये सोडियम हाइड्राइड। तो अपन कहेंगे दोनों में से ज्यादा ट्रस्टेबल कौन, पता तो आपने बताया तो है सोडियम, हाँ तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स, मॉलिक्यूल तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब एक पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, तो फिर हाइड्रोजन को क्या होना पड़ेगा? माइनस। मतलब इनमें से किसी भी मेटल के साथ आप हाइड्रोजन को लिखोगे ना तो वो ज्यादा ट्रस्टेबल है। मान लो मैंने लिखा आपके पास मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो अपन क्या करेंगे, दोनों में से ज्यादा ट्रस्टेबल ही है तो फिर हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज, एक हाइड्रोजन पे माइनस वन, दो पे माइनस टू हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ऑक्सीडेशन स्टेट अपन पर एटम लिखते हैं, ठीक है भाई। तो मतलब आपने मुझे ये एग्जांपल दे दिया, वैसे तो हाइड्रोजन का प्लस वन ही होता है, जैसे अगर अपन लिखेंगे भाई H2 है मेरे पास, है ना, तो अपन कहेंगे H2O है, तो अपन को पता है हाइड्रोजन ज्यादा ट्रस्टेबल है, ऑक्सीजन तो अभी तक लिखा भी नहीं आपने ट्रस्टेबल सीरीज में, ये ज्यादा ट्रस्टेबल है, तो एक हाइड्रोजन पे कितना हो जाएगा? प्लस वन, तो दो पे कितना हो जाएगा? प्लस टू, तो ऑक्सीजन पे कितना होगा? तो टोटल पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन पे हो जाएगा ये माइनस टू, दैट्स व्हाई वी से दैट कि हाइड्रोजन पे प्लस वन आएगा। लेकिन हाइड्रोजन पे माइनस भी हो सकता है, कब हो सकता है? जब हाइड्रोजन से ज्यादा ट्रस्टेबल एटम प्रेजेंट है, जब हाइड्रोजन से ज्यादा ट्रस्टेबल एटम, लिख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये अपन सेपरेटली लिखेंगे इसके ट्रस्टेबल सीरीज के बाद, क्योंकि अच्छे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में भी देखेंगे। चलो दूसरा, तो हाइड्राइड्स का ध्यान रखेंगे अपन मेटल हाइड्राइड्स में। अब अगर मान लो और मेटल हाइड्राइड्स में एच पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, तो अपन लिखेंगे इसके बाद होता है ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम में ना डिफरेंट टाइप से ऑक्सीजन एटम होता है, जैसे ऑक्साइड्स, अगर ऑक्साइड्स हैं तो माइनस टू होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर परऑक्साइड्स हैं तो परऑक्साइड में माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक और होता है सुपर ऑक्साइड, अगर सुपर ऑक्साइड्स हैं तो माइनस वन बाई टू होता है। मतलब ऑक्सीजन अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अपन उसे क्या बोलेंगे कि वो ऑक्साइड है, अगर ऑक्सीजन पे माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अपन क्या बोलेंगे वो परऑक्साइड है, अगर ऑक्सीजन पे माइनस वन बाई टू ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो सुपर ऑक्साइड है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सुपर ऑक्साइड है परऑक्साइड है? कैसे? ऑक्सीडेशन स्टेट से कैलकुलेट करके दिखाओ, लो भाई हो ये ऑक्साइड है, अभी तो लिखा हमने माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ तो पता तो है कि कैल्शियम का ज्यादा ट्रस्टेबल पार्ट है। तो अपन कोई भी मेटल ऑक्साइड लिखेंगे ना, इट विल बी लाइक दैट, वी कैन राइट मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड में अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल है, ऑब्वियसली बात है वो मेटल ऑक्साइड से होगा। ऑक्साइड्स के अपन काफी सारे एग्जांपल हैं। अब परऑक्साइड्स की बात करते हैं,
Peroxides में I can write like this. The peroxides. This is peroxides. हमें कैसे पता चला? देखो, अब ऑक्सीजन पे ज्यादा ट्रस्टेबल सोडियम है, दो सोडियम मतलब प्लस टू चार्ज, तो दो नेगेटिव चार्ज। अब दो नेगेटिव चार्ज मुझे दो ऑक्सीजन पे लिखना है, टू नेगेटिव चार्ज मुझे दो ऑक्सीजन में डिवाइड करना है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा? माइनस वन चार्ज। मैंने आपको बोला ना ऑक्सीडेशन स्टेट अपन पर एटम के अनुसार करेंगे, एक एटम पे देखते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, अपने पास दो सोडियम है तो प्लस टू चार्ज, और दो ऑक्सीजन है तो टोटल ऑक्सीजन पे, क्योंकि प्लस टू है तो माइनस टू, दो ऑक्सीजन एटम पे होगा, तो एक पे कितना होगा? माइनस वन। इट्स पर बेरियम, ये प्लस टू चार्ज है बेरियम का, तो दो ऑक्सीजन पे माइनस टू होगा, बेरियम इज मोर ट्रस्टेबल है। उसमें ये नहीं बोल सकते ऑक्सीजन माइनस टू होता है, दो ऑक्सीजन माइनस फोर हो गया बेरियम पर प्लस फोर, पॉसिबल ही नहीं बेरियम पे। इट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसमें कैसे पॉसिबल है प्लस फोर ऑक्सीडेशन? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब बेरियम तो ज्यादा ट्रस्टेबल है तो वो प्लस टू हो जाएगा, तो अगर बेरियम प्लस टू है तो दो ऑक्सीजन माइनस टू होंगे तो एक ऑक्सीजन माइनस वन होगा। ठीक है भाई, तो अच्छा बताओ इसमें क्या करें फिर अपन, के ओ टू गिवन है मुझे, तो इसको इसमें पोटेशियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? तो अपन कहेंगे भाई एक ऑक्सीजन माइनस टू है, दो ऑक्सीजन माइनस फोर, पोटेशियम प्लस फोर, पॉसिबल ही नहीं है। ज्यादा ट्रस्टेबल तो पोटेशियम है, लिखा तो है आपने भाई, जस्ट फ्लोरिन के बाद अल्कली मेटल लिखे हुए, तो पोटेशियम पे कितना चार्ज होगा? प्लस वन। तो दो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? माइनस वन। तो एक ऑक्सीजन पे कितना? माइनस वन बाई टू, सुपर ऑक्साइड। वो देख के बता सकता है कि वो सुपर ऑक्साइड है कि नहीं, दैट इज द यूज ऑफ ट्रस्टेबल सीरीज, कि मुझे ये पता रहेगा कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स कर देना है, जिसको ट्रस्टेबल चार्ज, जो ज्यादा ट्रस्टेबल है, राइट? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, मतलब अपन इसको ऐसे RbO2 हो गया सुपर ऑक्साइड, CsO2 हो गया सुपर ऑक्साइड, क्योंकि सारे के सारे तीनों ही अल्कली मेटल, ये तीनों तो नेचर में एग्जिस्ट करेंगे, सीधा मेटल को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करो ये यही बनाने वाले हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुपर ऑक्साइड, राइट? तो ऑक्सीजन में और स्टेबिलिटी की बात करूंगा ना, तो सुपर ऑक्साइड आर मोर स्टेबल देन परऑक्साइड आर मोर स्टेबल देन ऑक्साइड, स्टेबिलिटी है परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड उसको भी इंक्लूड करते हैं, सुपर ऑक्साइड परऑक्साइड और ऑक्साइड, ये स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबल होते हैं इससे। फिर अपन लिखेंगे ठीक है, अगर भाई मैं नेक्स्ट एटम देखता हूं तो नेक्स्ट एटम विल बी दैट इज हैलोजन्स। पीरियोडिक टेबल में अपन हैलोजन्स 17th ग्रुप एलिमेंट्स को बोलते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दे आर कॉल्ड हैलोजन्स। फ्लोरीन तो उनमें मैक्सिमम ट्रस्टेबल है, तो मेरे पास Cl, Br और I बचा हुआ है, तो हैलोजन्स आर Cl, Br एंड I, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन होता है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था ना Cl is 287, एक इलेक्ट्रॉन जो माइनस एट इज इक्वल टू हो गया माइनस वन, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? माइनस वन होगा। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन है, तो अब होता क्या है ना, ये जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना, ये आपस में भी बॉन्ड बनाते हैं, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, सिंस दे फॉर्म इंटरहैलोजन कंपाउंड्स,
हैलोजन कंपाउंड्स, वो आपस में क्या बनाते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। सो द ट्रस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अपन क्या करेंगे उसमें ट्रस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर देंगे, क्लोरीन को ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं ब्रोमीन से, ब्रोमीन को ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं आयोडीन से। तो इसका फायदा क्या, तो अपन कहेंगे देखो भाई इसका फायदा ये हुआ कि अगर मान लो मेरे पास आप ऐसे लिखते हो आईसीएल, तो ज्यादा ट्रस्ट किस पे होगा, सीएल पे, तो इसको क्या लिखो माइनस वन, तो आईडीएल क्या हो जाएगा प्लस वन, जिस पे ज्यादा ट्रस्ट होगा उसको क्या कर लेंगे अपन माइनस वन दे देंगे, तो बाकी दूसरा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं लिखता हूं ऐसे बी आर सी एल थ्री, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई सी एल इज मोर ट्रस्टेबल ना, तो एक सी एल पे कितना माइनस वन चार्ज, तो तीन सी एल पे माइनस थ्री चार्ज, तो फिर ब्रोमीन पे प्लस थ्री चार्ज, तो ज्यादा ट्रस्टेबल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगा, जो कम ट्रस्टेबल है वो चेंज होगा। अब इसके अलावा एक लास्ट एलिमेंट लिखते हैं, उसके बाद अपन खत्म कर देते हैं क्योंकि उससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट अपन लिखेंगे नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन का जो वैलेंसी होता है वो माइनस थ्री होता है, तो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो अपन क्या कहेंगे इसमें, मान लो अपने पास ऐसे केबिन है NH3, तो अपन क्या कहेंगे एक हाइड्रोजन प्लस वन, भाई ये तो ज्यादा ट्रस्टेबल है हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन, अब मेटल के साथ तो है नहीं ज्यादा ट्रस्टेबल तो हाइड्रोजन है क्योंकि नाइट्रोजन तो अभी लिखा ही हुआ है आपने, तो एक हाइड्रोजन प्लस वन, तो तीन हाइड्रोजन प्लस थ्री, तो नाइट्रोजन माइनस थ्री। और अगर मैंने ऐसे लिखा तो अपन कहेंगे अब सीएल ज्यादा ट्रस्टेबल है, आपने सीएल लिखा ना, और सीएल अगर ज्यादा ट्रस्टेबल है तो हैलोजन्स का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है माइनस वन, तो एक सीएल का माइनस वन, तो तीन सीएल का माइनस थ्री, तो नाइट्रोजन। उसमें अपन कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला टाइप भी बनाएंगे छोटा सा, कैसे ना कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि भाई कोई भी एटम जो है वो किससे अटैच्ड है, ऐसे उनको डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं इतना ट्रस्टेबल सीरीज लिखा, और अपन को एक बात अच्छे से पता है एलिमेंट्स के लिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेटस वो तो अभी पहले सबसे पहले आपने बता दिया था जीरो एलिमेंट्स के लिए, और आपने एग्जांपल के लिए ये ट्रस्टेबल सीरीज अपन को पता होना चाहिए। तो अपन कहेंगे ट्रस्टेबल सीरीज पता क्या होना चाहिए, अपन को अच्छे से पता है भाई ट्रस्टेबल सीरीज में क्या लिखना होता है अपन को, फ्लोरीन होता है, फिर फर्स्ट ए सेकंड ए मेटल्स हो गए एल्यूमिनियम एंड जिंक, एएल एंड जिंक हो गया, और उसके बाद आप क्या बोलते हो फिर हाइड्रोजन होता है, फिर उसके बाद आपने ऑक्सीजन लिखा, फिर हेलोजन लिखा, हेलोजन डिनोट करते हैं अपन एक्स से, और नाइट्रोजन लिखा। तो ये आपने ट्रस्टेबल सीरीज लिखा जो मुझे पता होना चाहिए। उससे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो एच ओ एक्स एन ऐसे कुछ याद रखियो, फ्लोरीन तो याद रहेगा ही रहेगा सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल। तो ठीक है भाई हमने ट्रस्टेबल सीरीज पढ़ लिया, अब ट्रस्टेबल सीरीज का यूज क्या है पहले तो ये बता दो भाई। तो अपन क्या करते हैं ट्रस्टेबल सीरीज के लिए, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, मतलब
मतलब पूरा केमिस्ट्री में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इससे अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब एप्लीकेशन की। तो इसमें एप्लीकेशन किसी भी मॉलिक्यूल में अपन को, अब ये तो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स लिखा था आपने जिसमें दो ही एटम प्रेजेंट है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब इस ट्रस्टेबल सीरीज को देख के अपन को ये पता चल गया भाई कार्बन तो है ही नहीं इसमें, सल्फर भी नहीं है, इतने सारे मेटल्स हैं वो भी नहीं है, कुछ तो लिखा नहीं आपने, थोड़ा सा लिख के बता दिया ट्रस्टेबल सीरीज हो गया और पूरा पीरियडिक टेबल के लिए। क्योंकि इन एटम्स के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो बनते हैं ना वो इन्हीं एटम्स से बनते हैं, इसके अलावा बाकी एटम्स बहुत कम यूज होता है, इसलिए हमें सिर्फ यही चाहिए और अच्छी बात है हमारे लिए। तो भाई जितने कम एटम होंगे उतना कम याद रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि अपन ऐसे लिख, अब ये तो दोनों ही ट्रस्टेबल सीरीज में नहीं, तो अपन कहेंगे हमें जरूरत भी नहीं है ट्रस्टेबल सीरीज, हमें पता है ये मेटल है ये नॉन मेटल है, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल जो होगा उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मेटल है उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होता है, क्यों? क्योंकि सल्फर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका वैलेंसी कितना हो गया, तो अपन कहेंगे भाई वैलेंसी सिक्स माइनस एट हो गया, माइनस टू आ गया मैंने लिखा। अगर सल्फर का वैलेंसी माइनस टू है तो लेड का वैलेंसी प्लस टू होगा, ये लो, इसमें मुझे जरूरत ही नहीं है कोई ट्रस्टेबल सीरीज की, तो फिर तो मुझे इसमें भी नहीं थी, फिर तो मुझे इसमें भी नहीं थी ऑक्सीजन माइनस, हाँ लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि ऑक्सीजन माइनस बना ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो फिर ट्रस्टेबल सीरीज का यूज क्या है, तो अपन कहेंगे आप बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट किसका कैलकुलेट करना है पहले तो ये बताओ, तो अपन कहेंगे जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होता है ना वो हमेशा लीस्ट ट्रस्टेबल एटम के लिए कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि जो ज्यादा ट्रस्टेबल होता है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स होता है, जो कम ट्रस्टेबल होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, जो ज्यादा ट्रस्टेबल होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, जो कम ट्रस्टेबल होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है। जब बहुत सारे एटम होंगे मोर देन टू टाइप एटम्स होंगे तो हमें ट्रस्टेबल सीरीज की जरूरत पड़ेगी, वरना हो सकता है बनिया गलती करते हैं। अगर मैं बगैर ट्रस्टेबल सीरीज के पूछता ना तो आप कभी ऐसे भी बोलते हैं अच्छा ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो माइनस टू होता है, एक ऑक्सीजन माइनस टू दो ऑक्सीजन माइनस फोर लो भाई प्लस फोर हो गया पोटेशियम, ओके पोटेशियम मिल भी कैसे, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसका प्लस फोर कैसे हो जाएगा, तो उसके लिए हमें ट्रस्टेबल सीरीज की जरूरत पड़ती है। अब पॉइंट नंबर वन में ये लिखने वाला हूं मैं कि भाई जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो भी मॉलिक्यूल आप लोग जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल अपने पास काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे इस टाइप से, तो किसी भी मॉलिक्यूल में आप ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स लिख सकता हूं मैं, तो उस केस में अपन को ये काफी हेल्प करता है इन एनी मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर और कंपाउंड द लीस्ट ट्रस्टेबल एटम, जो सबसे कम ट्रस्टेबल एटम होता है राइट, द लीस्ट ट्रस्टेबल एटम एटम मतलब इनके अलावा इनसे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, अब इनके बाद जो भी आएगा वो जो नहीं है वही लीस्ट हो गया, The least trustable atom is called second atom. और ये वर्ड अपन को बार बार जरूरत पड़ेगा पूरे केमिस्ट्री में, which is the central atom. Central atom वो होता है जिससे बाकी सारे एटम बॉन्डेड होते हैं, मतलब इसमें लीस्ट ट्रस्टेबल एटम सल्फर है, तो सल्फर से बाकी सारे एटम बॉन्डेड है। सेंट्रल एटम
is the atom by which all other atoms are bonded. Other atoms are bonded in molecule. उसको अपन कहते हैं सेंट्रल एटम. ये है भाई अपना सेंट्रल एटम. तो इसमें सल्फर लीस्ट ट्रस्टेबल ये तो है ही नहीं. इसमें एमिन द लीस्ट ट्रस्टेबल एटम बिकॉज पोटेशियम तो था, अल्कली मेटल ऑक्सीजन भी था ऑक्साइड में तो एमिन हो गया. इसमें पोटेशियम था, नाइट्रोजन था मतलब कार्बन, साइनाइड के फॉर्म में आ गया तो ये ले सेंट्रल एटम. तो फिर ऐसे बता सकते हैं कि भाई कौन सा सेंट्रल एटम होगा उसका ये यूज होता है, राइट ना? ये ट्रस्टेबल सीरीज का यूज होगा. तो वी आर एबल टू टेल दैट कि व्हाट इज द सेंट्रल एटम. ठीक है, तो जैसे अपन कुछ कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें. सो फॉर एग्जांपल वी कैन राइट ऐसे ना, जैसे अपन ने लिखा एग्जाम्पल तो H2SO4 में सेंट्रल एटम सल्फर था, A1O4 में सेंट्रल एटम Mn था, PCl5 में सेंट्रल एटम P है क्योंकि वो तो हमारे ट्रस्टेबल सीरीज में ही नहीं है. फिर अपन लिख सकते हैं जैसे अपन ने लिखा SF6 में सेंट्रल एटम S है. अपन लिखेंगे भाई POCl3 है तो O और Cl दोनों ही प्रेजेंट थे, ट्रस्टेबल सीरीज में P नहीं था, P इज अ सेंट्रल एटम. CO2 हो गया तो C इज अ सेंट्रल एटम, ऑप्शन तो प्रेजेंट था. तो अपन को पता रहता है कि भाई सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जो लीस्ट ट्रस्टेबल एटम होगा वो सेंट्रल एटम होगा. और ये अपने लिए पूरा केमिस्ट्री में सेंट्रल एटम जानना बहुत जरूरी होता है. दूसरा चेक करना. सेकंड पॉइंट अपन लिख सकते हैं दैट इज भाई एक तो एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन हो गया कि सेंट्रल एटम पता चल जाएगा टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम. हमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी एडवांस में, तो पता होना चाहिए. तो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल H2SO4 है, सल्फर इज द सेंट्रल एटम. अब नहीं भी बताते कि सल्फर सेंट्रल एटम है तब भी मुझे बताता कि सल्फर सेंट्रल एटम. और ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेंट्रल एटम के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है. ठीक, तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे इसमें हाइड्रोजन जो है ना वो सबसे मतलब सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल है, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर. तो अपन को क्या लिखना होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स, सल्फर का कैलकुलेट करना होगा. तो चलो कर देते हैं. एक हाइड्रोजन प्लस वन होता है तो दो हाइड्रोजन के लिए प्लस टू हो जाएगा, ये टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सल्फर के लिए मुझे कैलकुलेट करना है तो एक्स ले लेता हूं, एक ऑक्सीजन माइनस टू तो चार ऑक्सीजन कितना हो जाएगा माइनस एट इक्वल टू जीरो, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है इसलिए मैंने इक्वल टू जीरो. अगर इस पे कोई चार्ज होता तो कहते चार्ज लिख लेता, मतलब तो अगर मान लो मैं ऐसे लिखता बी, मैंने आपसे कहा फॉस्फेट आई है मेरे, तो जो ये थ्री नेगेटिव है ना ये पूरा मॉलिक्यूल पे है. तो अपन क्या करते हैं इसमें जब इक्वेट करते तो माइनस थ्री लिख देता, फास्फोरस सीरीज में एक्स लिख देता. ऑक्सीजन एक माइनस टू होता है और कितने ऑक्सीजन है फोर, एक्स कैलकुलेट करके बता दूंगा व्हाट इज फास्फोरस का ऑक्सीडेशन इधर आता. तो मैंने इसको जीरो क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल था इसलिए मैंने जीरो लिखा. इधर अपने पास क्या आया 2 प्लस एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आई गॉट एक्स माइनस एट इज इक्वल टू माइनस थ्री, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव.
फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन शिफ्ट प्लस वाई। अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना एग्जाम में ऐसे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन शिफ्ट ऑफ सेंट्रल एटम लाइक दिस। सपोज अपन मेरे पास ऐसे मैंने कहा आपसे कि भाई Na2S2O3 आप बताओ, तो फिर कहेंगे सोडियम भी था ऑक्सीजन भी था ट्रस्टेबल सीरीज में सल्फर नहीं था, तो कैलकुलेट करता है तो एक सोडियम प्लस वन तो दो सोडियम टू हो गया। अपन डायरेक्टली प्लस टू भी लिख सकते हैं प्लस सल्फर के लिए कैलकुलेट करना है तो मैं 2x लिखूंगा। क्यों? क्योंकि आप हर बार बोल भी रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पर एटम कैलकुलेट करता है, तो अपन को एक एटम के लिए चाहिए तो एक एटम का x होगा तो दो एटम का अपन ने 2x लिख लिया। एक ऑक्सीजन माइनस टू होता है तो तीन ऑक्सीजन माइनस सिक्स अपन डायरेक्टली लिख सकते थे और पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है इसलिए मैं इसको जीरो लिखने वाला हूं। टू प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस टू। मतलब इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है इन दैट मॉलिक्यूल। अब मान लो मुझे ऐसे लिखना है डी की बात, ये अपन वहां लिख लेते ठीक है ना। डी अपन ने डी लिखा दैट इज C3O4। कार्बन के लिए कैलकुलेट करना है, कार्बन तो ट्रस्टेबल सीरीज में नहीं, 3x माइनस नहीं प्लस करना पड़ेगा, माइनस टू इंटू फोर करना पड़ेगा ना इसको, तो एक ऑप्शन माइनस टू होता है, माइनस टू इंटू फोर इज इक्वल टू जीरो क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो मैं लिखूंगा 3x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू 8 बाई 3। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिखो इट इज 8 बाई 3। तो मैं इसको कार्बन में 3x 8 को उधर लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू प्लस 8 बाई 3। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो Fe3O4 अगेन Fe इज 8 बाई 3, तो अपन क्या करेंगे ये 3x है माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 8 बाई 3। यहां पर आयरन प्लस 3 स्टेट में नहीं है, उससे कम है इसलिए ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। कल मैं क्वेश्चन में बता रहा था ना आपको कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्यों? तो अपन को पता चल गया था कि हाँ करेगा, क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्सीजन से अगर कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 होगा और अभी ये 3 से कम था इसलिए आयरन से ऑक्सीजन से रिएक्ट अभी करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 है और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, इसकी वैलेंसी प्लस 3 और प्लस 2 होती है, प्लस 3 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन फॉर्म, कार्बन प्लस 4 है, कार्बन का प्लस 4 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। सल्फर प्लस 6 आ रहा है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सल्फर प्लस 2 आ रहा है, हो सकता है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो प्लस 6 तक तो हो सकता है, आप प्लस 6 से ज्यादा नहीं बताना होता ही। तो फिर ऐसा पॉसिबल है क्या? होगा तो देखेंगे, पहले अपन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छा तो कर ले कि क्या करना है अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन में। अब अपन कहेंगे सपोज मेरे पास ऐसे के बने K2Cr2O7, Cr के लिए कैलकुलेट करना है। अब आप कैलकुलेट करके बताओ
हो गया सबसे? तो ये कितना है अपने पास? एक पोटेशियम प्लस वन होता है तो दो पोटेशियम प्लस टू हो जाएगा, तो टू लिख लेते हैं। क्रोमियम इज कैलकुलेट करना है तो इट्स हो गया, और एक ऑक्सीजन माइनस टू होता है तो सेवन ऑक्सीजन कितने हो गए? 14, तो इट विल बी माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो। तो अपने पास x कितना आया? प्लस 6 आया, आया ना सभी से। अब इसकी बात, पोटेशियम इज मोर ट्रस्टेबल देन हैलोजन्स, तो पोटेशियम प्लस वन हो गया। ये 3x लिख लेता हूं, इज इक्वल टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो x विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, करेक्ट है। नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आना ही चाहिए, आपने बताया फ्रैक्शन होगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, एक हाइड्रोजन प्लस वन होता है तो फोर हाइड्रोजन को फोर लिख लेते, इसको टू एक्स कर लेते, एक ऑक्सीजन माइनस टू होता है तो माइनस 14 कर लेते हैं, ये न्यूट्रल है इसलिए मैं इसको जीरो कर लेता हूं। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा प्लस 5। किसी को डाउट है तो बोलो। अगर मेरे पास ऐसे क्यों रहता CH3 पॉजिटिव, तो मैं कहता कार्बन के लिए कैलकुलेट करना होगा, वो तो ट्रस्टेबल सीरीज में नहीं था। एक हाइड्रोजन प्लस वन होता है तो तीन हाइड्रोजन प्लस थ्री इज इक्वल टू प्लस वन लिखना पड़ता, तो x इज इक्वल टू आता वन माइनस थ्री, दैट इज इक्वल टू माइनस टू, तो इसमें कार्बन माइनस टू होता। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट में उसको प्लस पॉजिटिव इक्वल टू प्लस लिखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इक्वल टू माइनस लिखेंगे, न्यूट्रल है तो सभी में इक्वल टू जीरो लिखेंगे। दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। अभी अपना ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि इसके एप्लीकेशन अभी चलेंगे, अपन ये एप्लीकेशन में कुछ बहुत कुछ पार्ट सीखेंगे, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे इसको। लेकिन आपका होमवर्क आपके पास है, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ आपका होमवर्क है ना, जो होमवर्क वाला पार्ट है वो मैं रिपीट कर देता हूँ, जो आपको कंप्लीट करना है। होमवर्क इज एक्सरसाइज वन का पार्ट वन और टू सेक्शन, दैट इज ए बी सी ऑलरेडी आई हैव गिवन टू यू, ये हो गया अपना। अभी आपको डी और ई करना है पार्ट वन पार्ट टू से, और एक्सरसाइज टू से पार्ट वन का 10 क्वेश्चन, 1 to 10 क्वेश्चन है ना, तो 1 to 10 लिख लेता हूं, क्योंकि अगर क्वेश्चन 10 लिखूंगा तो लगेगा सर ने एक ही क्वेश्चन दिया है वही करके आ जाते हैं बस, तो अपन पूरा सॉल्व करेंगे 1 to 10 क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज योर होमवर्क, अपन इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो क्लास के शुरू में ही पहले आप डाउट, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क डिस्कस करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट? ठीक है भाई, थैंक यू सर, थैंक यू सर।